में बढ़ जाएगी। ये पार्टी के कई नेता हमारे ही संपर्क में, जेडीयू खंडित होगी, जनता दल यूनाइटेड का नाम और निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को ऐसा दावा किया जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के कई नेता, सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन ऐसे नेताओं के नाम लेने से चिराग बचते हुए नजर आए। उन्होंने जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ललन सिंह को लेकर जेडीयू में गहरा असंतोष है। धीरे धीरे ये बात सामने आ रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब जेडीयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये पार्टी के कई नेता हमारे ही संपर्क में, और बहुत पहले हम बोल चुके थे कि जेडीयू खंडित होगी। शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड का नाम और निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सांसद मनोज झा के ठाकुर वाले कविता प्रकरण पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लोग जिस जिस पार्टी से आते हैं वो जातियों की पार्टी मानी जाती है। समाज को बांटकर और समाज में भेदभाव पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ लेना उन पार्टियों का उद्देश्य रहा है। जो कविता मनोज झा ने पढ़ी वो लंबे समय से है, किसी जाति को लेकर वो कविता नहीं लिखी गई है। अब चिराग पासवान के इस बयान के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से इसको लेकर क्या बयान आता है।